आए तेरे नवराते मैया, आए तेरे नवराते, कंज का पूजू जोत जगाऊं, रोज करूं जगराते मैया, आए तेरे नवराते। जय माता दी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा सदैव लगाते रहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि के चौथे दिन किया जाने वाला बेहद खास उपाय बताने जा रही हूँ, जो कि बिल्कुल ही सरल है। इस उपाय को करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, यश आयु में वृद्धि होती है, संतान सुख मिलता है एवं घर में शांति और संपन्नता आती है। नवरात्रि के दिनों को बहुत ही खास माना गया है। यदि किसी कार्य का शुभ मुहूर्त नहीं मिल पा रहा हो तो आप बिना किसी से पूछे उस कार्य को नवरात्रि में कर सकते हैं। इसी प्रकार से नवरात्रि में किए गए उपाय भी विशेष फल देते हैं, इसलिए नवरात्रि के इस खास मौके को हम इस प्रकार के सरल उपायों को अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि के प्रत्येक दिन में अलग अलग उपाय किए जाते हैं, इससे संबंधित आप वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये खास उपाय केवल नवरात्रि के पावन दिनों में ही किए जा सकते हैं, अतः इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और इन उपायों से शुभ बल अवश्य प्राप्त करना चाहिए। नवरात्रि के चौदह दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। यश आयु में वृद्धि, संतान सुख चाहने वालों और परिवार में शांति के लिए माँ कूष्मांडा की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इस उपाय को करने के लिए स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। संतरी रंग माँ का प्रिय रंग है, अतः संतरी रंग के वस्त्र धारण करें। माँ की पूजा में काले रंग के वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। माता को स्नान कराएं और माता को भी संतरी रंग के वस्त्र पहनाएं और माँ का श्रृंगार करें। माँ को कुमकुम से तिलक करें। माता के सामने शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएं। दीपक को आप कभी भी ऐसे ही ना रखें, उसे आसन अवश्य प्रदान करें। आसन के लिए आप साबुत चावल दीपक के नीचे रख दें। माँ की पूजा एवं आरती करें एवं इसके पश्चात माता को देसी घी के मालपुए का भोग लगाएं। माता को मालपुए का भोग अत्यंत प्रिय है। मालपुआ आप घर पर ही बना सकते हैं या फिर मार्केट से भी ला सकते हैं। मालपुआ देसी घी का अति उत्तम माना जाता है, अतः आप कोशिश करें कि मालपुए को घर पर ही बनाएं। मालपुआ बनाने की विधि मेरे चैनल पर पहले से ही उपलब्ध है, तो आप इसकी वीडियो भी देख सकते हैं। मालपुआ का भोग लगाने के पश्चात हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करें और माँ के चरणों में ध्यान करें और माँ के बीज मंत्र जो कि इस प्रकार से है, ऐं ह्रीं देव्ये नमः का जाप करें। इस मंत्र का जाप आप अपनी सुविधा के अनुसार 11, 21, 108 बार कर सकते हैं। जाप पूर्ण करने के पश्चात माँ से मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। इसके पश्चात अपने व अपने परिवार का तिलक करें और माँ को जो भी भोग अर्पित किया है उसे यदि आपका व्रत नहीं है तो पूरे परिवार के साथ आप ग्रहण करें। यदि व्रत है तो किसी कन्या या ब्राह्मण को दान में दे दें, लेकिन यदि आपका मालपुआ अन्न से बना हुआ नहीं है तो आप परिवार सहित उसे ग्रहण करें। इस छोटे से उपाय को करने से माता कूष्मांडा प्रसन्न होती हैं। बुद्धि एवं निर्णय शक्ति का विकास होता है। जो व्यक्ति संतान प्राप्ति के लिए यह उपाय करता है उसे माता रानी की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि वो भी इस प्रकार के आसान उपायों को करके अपना लाभ प्राप्त कर सके और माता रानी की कृपा भी उन पर बनी रहे। इसी आशा के साथ विदा लेती हूँ दोस्तों। जय माता दी।